सरकंडा थाना एक बार फिर से सुर्खियों में है। नवपदस्थ थाना प्रभारी के आते ही दो दिनों में यह दूसरी हत्या है। जी हां, तो वहीं पर रात्रि गश्त की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, जहां पर भाई ने भाई के सर पर पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये मामला है सरकंडा थाना क्षेत्र में, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि विगत दो दिनों में क्षेत्र में यह दूसरी हत्या है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां पर विगत कुछ दिन पूर्व भी अपराधों पर अंकुश लगाने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने थाना सरकंडा का घेराव करते हुए ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें मुख्य रूप से थाना सरकंडा में लूट, मारपीट, चोरी, हत्या जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बावजूद भी थाना क्षेत्र में दो दिनों के अंदर दूसरी हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रेम प्रसंग को लेकर अशोक नगर मुरुम खदान में भी एक हत्या हो गई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। तो वहीं पर एक घटना की गुत्थी सुलझाई नहीं थी और बीती रात को जहां पर एक और घटना हो गई, जिसमें चिंगराज पारा में एक भाई ने अपने ही सगे भाई के सर पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में एक बार फिर से सनसनी बन गई है। तो वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर आरोपी प्रदीप सिंह उर्फ रवि को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सूर्या चौक के पास गली में रात को करीब 12 बजे करीबन सूचना मिली कि प्रदीप ठाकुर अपने बुआ के लड़के प्रकाश ठाकुर को सिर में पत्थर पटक करके मार दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर उस आसपास आरोपी का पता तलाश किए। प्रदीप ठाकुर फरार था, जिसे रात में टीम लगा करके पकड़ा गया। विवाद का जड़ दोनों शराबी थे और क्रिमिनल थे, दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, शराबी थे। अभी आरोपी जो है अभी एक साल पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा काट के बाहर आया था और मृतक भी किसी की हत्या के जुर्म में जेल में रहा है 2-3 साल, वो भी कुछ दिनों पहले ही बाहर आया। दोनों आपस में खाना खाने के बाद कुछ विवाद हुआ और सड़क में पत्थर रखा था, उस पत्थर से आरोपी ने उसके सिर पर रखकर मार दिया। आरोपी को रात में हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ पहले से इनका वाद विवाद? नहीं, भाई भाई हैं और नशेड़ी हैं, ऐसा कोई विवाद का तो नहीं। साथ ही खाना खाए हैं बता रहे हैं, आरोपी ही खाना बनाया था, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि इन लोग का पहले कोई विवाद हो। छड़ी कागज में कुछ हुआ होगा और इसी में सामने वाले ने पत्थर पटक के मार दिया।